इमाम कासिम ने देखा कोई मेरे मुकाबले ने नहीं आ रहा। इमाम कासिम यजीद की फौज च घुस गए। इस दौर दे नाल अपने हमला किया। नौजवान रेत तूफान उठया, कुछ भी नजरी ना होया वे। उम्मे फरवा मां दा दिल डोल गया। कह लगी लजपाला देखिया जे मेरा कासिम किथे गया। मेरे इमाम ने फरमाया उम्मे फरमा बाबी जान हौसला रखे आ जाए। आओ देखो जिधर यजीद दौड़ते पे जाते हैं पीछे तेरा ही शेर लगा। जिधर जिधर इमामे कासिम जा रहे ने यजीदियां दियां गर्दना उड़दियां नजर आ रही। गाजर मूली फसल मांग कटते जा रहे नौजवानों इंज गर्दना उड़दिया ने जिमें खिजाओं च दरख्तों के पत्ते उड़ते ने। इब्ने साद शिमर नू कहन लग्या ए नौजवान कौन है। उन्हें आख्या अली दा पुत्र आए हसन दा पुत्र है इहदा नाम कासिम है। इब्ने साद लबा चो जुमला निकलिया कहन लगा मन नहीं पवेगा शेरां दे पुत्र शेर ही होंदे। पहले आंदे ते मैं बहुते दे रहे सन पर हुण बहुते नहीं दे रहा। किधरे वड्डे वीर नूं आ ना लगे कि मेरे नाल छोटा होके मेरे नाल वड्डा सखी बनदा है। नौजवानो मैं 2000 बकरियां लैके मदीने दी जू चू निकल रही ते मुड़ के कहन लगी वे ना दिन खिदमतां करदे रहे हो। सच्ची पूछो मैं पहचानिया कोई नी कौन हो। इमामे हसन दियां कंजे अथरू आवांगे रो के कहन लगे अम्मा दुध दा प्याला पिला के इत्थे ही भूल गई है। असी तुतरे मुहम्मद दिया कयामत आ लैन दे असा तेनों उत्थे भी नहीं असा जन्नत च भी नाल लेके जाना है। ओ मेरी मिल्लत दे नौजवानों पता चलिया उन्हां दी सूरत ही नबी वर्गी ते सीरत भी नबी वर्गी। असा मस्जिद दी झोली च 10 रुपए पाने होवन ते 20 वारी सोचने आ ओ हजारां बकरियां देख के सोचदे ही नहीं ते फरमांदे ने तुसी समझो तुसा मंगया नहीं ते असा समझा गया असा दित्ता ही नहीं। माई 2000 बकरियां लई जावे नाले बकरियां लई जांदी नाले पड़दी जांदी है बड़ा लजपा है तेरा कराना या मंगता बन के बैठा बंदा हाथ लड़ा के हुन मिल के मेरे नाल पड़िए बड़ा लजपा है तेरा कराना या रसूल अल्लाह बड़ा लजपा है तेरा कराना या रसूल अल्लाह बड़ा लजपा तेरे टुकड़ों में बनता है जमाना या रसूल अल्लाह। होना मेरा दिल करदा तुसी पढ़ो ते मैं सुना हाथ बुलंद करो सार उची आवाज नाल एक वारी मिल सारे पढ़िएगा बड़ा लजपा एक बारी फिर पढ़िया जे मेरा कलेजा ठर जावे बड़ा लजपा है तेरा कराना या रसूल अल्लाह बड़ा लजपा है तेरा कराना या रसूल अल्लाह बड़ा
इमामे हसन ने पुत्र का नाम रखा कासिम। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ने एक पुत्र दिता, हुजूर ने पुत्र का नाम रखा कासिम। वो बच्चा बचपन से विशाल कर गया। इमाम हसन ने अपने उस मामू के नाम के उत्ते अपने पुत्र का नाम रखा कासिम। इमाम कासिम रजी अल्लाह तआला अन्हु बचपन से चूंकि यतीम हो गए, आप बहुत छोटे सन जब इमाम हसन शहीद हो गए। उम्मे फरमा मां पाल रही, एक दिन हजरत उम्मे फरमा ने ख्वाब देखा कि एक फूल है ते हवा ते आंधी ते तूफान चलिया, उस फूल दियां पत्तियां बिखर गईं। आंख खुली ते बड़िया परेशान हो के हजरत बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह ताला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नु कह लगियां कि बाजी जान मैं ख्वाब च देखा कि एक फूल है ते उदियां पत्तियां बिखर गईं। हजरत बीबी ज़ैनब फरमा लगियां आओ रल के ते इमाम हुसैन दी बारगाह च चलिए। उन्हां कोल ख्वाब दी तबीब पुछ गई। करबला दे मैदान च बड़ी तेज आंधी ते तूफान चलने सारे फूल ते पत्तियां बिखर जांदियां। फरमाया अपने पुत्र की तरबियत इंज करी करबला दे मैदान च इक शहीद होवे तेनू इहदी शहादत ते नाज आवे, अल्लाह तेनू ओ अजर ते सवाब देवेगा जिहड़ा इस्माईल नू पालन दा सवाब रब ने हाजरा नू अता कीता सी। तेरे पुत्र नू पालन दा रब तेनू ओ अजर देवेगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने असीं जिहड़े नबी दे घर दे बच्चे सां, सानो बचपन तो नबी दे गज़वात ते हजूर दे मगाज़ी ते हजूर दियां जंगां दा जिक्र इंज पढ़ाया जांदा सी जिवें लोग अपने बच्चे नूं कुरान दा सबक पढ़ाते ने। यानी कि उन्हां नूं बचपन च शादी तैयार कीता जांदा सी शहादत दे वास्ते, जंगां दे वास्ते तैयार कीता जांदा सी। आ जिहड़ियां सुन्नी मावां अपने बच्चों के जम दे घर च अज़ान सुनांदियां ना, ओ इसे वास्ते सुनांदियां कि बड़े हसीन सन चुके पुत्र हसन दे सन ते हसन होवे जिहदी सूरत मुहम्मद दे नाल मिलदी है। पुत्र दी शक्ल बाप नाल मिलदी है, बाप दी शक्ल नाने नाल मिलदी है। बोली जाओ सुभान अल्लाह। हजरत इमाम कासिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे सीरत तैयबा दा एक आबी बाबे के हसीन बड़े सन। उन्हां दे हुस्न दा तज़किरा इंज सुन लो कि जदों करबला दे मैदान वल मदीने तो काफिला टुरिया ना, ते इमाम अली मुकाम ने हजरत कासिम दे ड्यूटी लगाई कि तुसां बीबियां पाकां दे नाल आउणा है। अर्ज कीती, हजूर मैं मर्दा, मैनू मर्दा नाल भेजो, औरतां च क्यों भेज रहे हो? फरमाया तू सोहणा बणा ना ते तैनू किसे दी नजर ना लग जा, तू बीबियां ना पर्दे जा। और मैं तारीख करबला च पढ़िया जदों हजरत इमाम कासिम रजी अल्लाह तआला करबला दे मैदान वल टुरन लगे ना, ते आ जिहड़ा इमामा शरीफ दा शिमला हुंदा ना, इमाम अली मुकाम ने इन्हां दे शिमले दे दो टुकड़े कीते।
एक टुकड़े दा शिमला बना दिता ते एक चेहरे ते नकाब कर दिता। इमाम कासिम ने पूछा चाचू जी आप की पे कर दियो, फरमा तो सोना बड़ा दुश्मन च चलिया किसी जालिम की नजर ही ना लग जाओ, इतने सोने सन हजरत इमाम कासिम। और आप के सखी बाप दे बेटे सन, सखावत दा भी एक जिक्र कर लो ताकि मैं तुहानू उनदी सीरत दा थोड़ा जिहा रंग सुना के करबला तक लै जावां। इमाम कासिम रजी अल्लाह तआला अन्हु जदो अपने चाचू जान हजरत इमाम आली मुकाम दे नाल मदीना तो छोड़ के मक्के वल टुरे ना करबला वल टुरे, आपने मदीना तो ये बात निकल दे अपने दूसरे चाचू हजरत मोहम्मद बिन हनफिया ए मौला अली दे दूसरे पुत्र ने उन्होंने कहने लगे चाचू जान मैं मदीना छड़ के जा रहा, पता नहीं चाचू जी दे नाल दोबारा वापस आना है कि नहीं, खबरे कदों आना है, तो मेरा एक कम करो। हजरत मोहम्मद बिन हनफिया ने फरमाया जी बेटा, अर्थ की चाचू जान मैं अपनी छत के उत्ते एक प्याला रखे थे, उस प्याले में मैं रोजाना सुबह उत्ते शाम पानी डालना, थोड़े जे मैं दाने भी रखे ने मैं दाना दुनका भी बखेर देना, परिंदे सुबह भी आते ने शाम भी आते ने, वो दाने भी चुगते ने पानी भी पीते ने। अर्थ की चाचू जान उन्हें परिंदे ने सुबह भी आना शाम भी आना, तो मैं नहीं होना तो किधर उन्होंने दिल ना टुट जाए, तो इंज करो कि उस प्याले च पानी भी रोज डालियो दाने भी खिलार के परिंदे खिलाया। परिंदे आए पर आके बनेरे बैठे रहे, ना किसी परिंदे दाना चुगया ना पानी पीता, थोड़ी देर बैठ के परिंदे चले गए। शाम नु फिर आए, फरमांदे ने ना किसी परिंदे ने दाना चुगया ते ना किसी पानी पीता, थोड़ी देर बनेरे ते बैठ के परिंदे उड़ गए। आप फरमांदे ने अगले दिन भी इंज होया ते अगले दिन भी इंज होया, तीन दिन में लगातार पानी डाल के ते दाना बखेर के बैठा रहा, कोई परिंदा दाना ना खावे ना कोई पानी पीवे, ओदी वजह की है। आरबे करी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने टुर गए ने ए दिलदार दिलां दे पगनो चुके उजड़ी बस्ती नजरी आवे उजड़ी बस्ती नदनी आवे गंड दिती जदिया मारो। इमाम अली मुकाम जदो मक्कतुल मुकरमा पहुंचे ना, क्योंकि हज का महीना करीब आ रहा है, लोग ये समझे कि आप हज करन हर साल आते हैं, इस साल भी हज करन आए। रात में जब मक्के दे सहाबा बैठे तो अर्ज की हजूर हर साल मक्के आंदे हो, इस साल भी आयो ते रंग बड़ा अजीब है, हजूर अंदाज बड़ा अजीब है, फरमा क्यों? अर्ज की हजूर हर साल आंदे हो ते कुर्बानी मदीने तो नाल लेके आंदे हो, इस साल आयो ते कुर्बानी लेके नहीं आए। इमाम अली मुकाम ने जवाब नहीं दिया बल्कि आवाज दे के फरमाते ने अकबर बेटा, कासिम बेटा, अब्बास भाई, सारे जवान इकट्ठे होके जदों हाजिर होवे ना खिदमत ते अर्ज कीती हुजूर हुक्म होवे ते इमाम हुसैन ने मक्कियां नूं फरमाया मक्के वाले कुर्बानियां लेके आना, पर अगे कुर्बानी मीना दी वादी च करदा सां, हुण कुर्बानी मैं जाके करबला दे मैदान च करांगा, कुर्बानियां मैं नाल लेके आया। फिर कासिमो अब्बास दे के भी न सैयद हारिया, आख्या तेरा दिता तैनो दिता तेरे उतो ही वारिया। अल्लाह ने कुरान च फरमा इन्नल्लाह यामुरकुम अन तुअद्दुल अमानत इला अहलिहा, अल्लाह फरमांदा अल्लाह तुहानू हुक्म दिंदा जिहदी अमानत होवे उहनू दिया करो, खयानत ना करिया जे। कासिम दे के आख्या तेरी अमानत से तैनू दिता, अकबर दे के आख्या तेरी अमानत तैनू दिता, अब्बास दे के आख्या तेरी अमानत तैनू ही दिता, ते आख्या तेरा दिता तैनू ਦਿੱਤਾ ਤੇਰੇ ਉਤੋਂ ਹੀ ਵਾਰਿਆ। ਔਰ ਨੌਜਵਾਨੋ ਘਰ ਚ ਇੱਕ ਮਈਤ ਹੋਵੇ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉੱਥੇ 71 ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਭਤੀਜੇ ਤੇ ਭਾਂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ, 71 ਲਾਸ਼ਾਂ ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਆਸਮਾਨ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਰਜ਼ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਮੈਂ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂ।
अल्लाह ने फरमाया तू ते मेरे ना तू मर चले मैं तेरे ते राजी हूं जेड़ा कयामत तक तेरे ना उते मर जाए मैं उदे ते भी राजी पहला मकाम जो शहजादा अली अकबर इजाजत और दूसरा मकाम उसी जो हजरत शहजादा कासिम बिन हसन इजाजत लाए इमाम कासिम जब इमाम अली मकाम के खैमे च इजाजत लेने आए ना तो मेरे इमाम ने देख के फरमाया कासिम बेटा किधर आए हो कासिम ने अर्ज की चाचू जान मैं अल्हम्दुलिल्लाह जवान हो गया तो मेरे बाबा करबला के मैदान च नहीं हो शहीद हो गए ने तो मैं ना करबला जावां दी इजाजत लेने आया मेरे इमाम जमीन ते तशरीफ ले आए ते कासिम ने कदम चुम चुम के जगाया उम्मे फरवा मां भी आ गई मेरे इमाम पकड़ के ना ते करीब बैठ के फरमाया कासिम पुत्रा तेनु वेखना ते भाई हसन याद आ दे मेरे पुत्र सारे जावन के मैं तेनु नहीं जान देना परदेसा च लिया के मैं अपने वीर दा बेड़ा नहीं उजाड़ना इमाम कासिम रो रो के कदम चुम चुम के अर्ज की चाचू जान ऐ मेरे आका मौला मेनू इजाजत दे दियो कयामत दे जब तुहाडे शहजादे अकबर ने अपने सीने ते फट वखाने ने चाचू अब्बास ने जब अपने बाजू कटे वखाने ने असगर ने अपने हलक दा तीर वखाने ओनो मोहम्मद ने बचपन लुटिया वखाने मैं भी कोई दादे मौला अली ने वखाने अपने बाबा हसन नु माफ कुछ दिखाने ते लजपाल मेनू जा लैंदे हो इमाम अली मुकाम ने फरमाया सारे टुर जावन कासिम मैं तेनू नहीं जान देना मैं तेनू नहीं जान देना कासिम रजी अल्लाह तआला अनहु औ खैमे दी नुक्कर च बह के रोन लग पे सैयद ज़ैनब करीब आके फरमा दिया कासिम पुत्र क्यों प्यार रोना है तो रो के कहन लगे आज कदे मेरे अबू जिंदा होंदे ने ते मैनू इजाजत दे दे मैं रोना मैं यतीम हां ना ते अज मेरी सुन दे कोई नहीं मामे अली मुकाम तोड़ के करीब जाके उठा के सीने ला के फरमाया यतीम होंदियां गल्लां ना कर तेनू मैं बाप बाप बन के पाले आए फरमाया कासिम पुत्रा मैं तेनू इजाजत किवें देवां हजरत इमाम कासिम रोही जा रहे थे उस वेले हजरत उम्मे फरवा करीब खड़िया उम्मे फरवा फरमा दिया अचानक मैं याद आया इमाम कासिम दे खले दे अंदर बचपन च इमाम हसन ने एक तवीज लिख के डालिया सी ते नाल फरमाया सी इहदी हिफाजत करियो कदे फरमा जिंदगी च औखा वेला आया ए तवीज खोल के पड़ी तेरी मुश्किल कुशाई हो जाएगी हजरत उम्मे फरवा नु ख्याल आया इस तो औखा वेला केड़ा होना है ओ तवीज खोल के ना पड़ा नौजवानों हजरत उम्मे फरमा ने हजरत इमाम कासिम दे गले चो तवीज उतारिया उतार के जब इमाम अली मुकाम दी बारगाह पेश कीता इमाम अली मुकाम ने तवीज खोलिया ओदे उते इक तहरीर लिखी है तहरीर की है इमाम हसन ने जड़े वेले तहरीर इमाम अली मुकाम ने खोल के पढ़ी ओदे उते लिखिया है एहसान करी मेरे ते वीरा खावे
امام حسن نے فرمایا ویران جدو کربلا دا میدان آوے زاری طور تے میں نہیں ہونا سنے آؤں میرے قاسم نے اجازت دے دیا جے ایدی شہادت میں حصہ لے لواں گا میرا کربلا وچ حصہ پے جائے امام علی مقام نے تعویر چ کی اکھاں دے نند آیا فرمایا ویران اج میرے کول اپنی آخری نشانی وی لے چلے آئے امام علی مقام نے قاسم نو سینے نال لایا فرمایا جاؤ قاسم پتر آؤ میں تینوں اجازت دینا حضرت نے فرما پتر نو خیمے چ لے آئی اپنے پتر نو کربلا دا دولہا بنایا نوجوانو اج ماواں سویرے پتراں نو سکول لئی تیار کردیاں نے تے ماواں تیار کر کے کہندیاں نے جاؤ بے جاندی واری اپنے اپو نو وکھا کے آؤ بے جا ذرا चेहरा वे खलवा पुत्र घरों निकल देने मावा सदके देने मावा सजदे जदों आवा कर दया ने मावा कहदिया खरी जावे खरी आवे मामा टोर के कहदिया ने वे वड्डिया निक्के दा ख्याल रखना ही निक्के नू कहदिया वड्डे दे नाल रहना ही ते मामा कहदिया वे कट्ठे जायो कट्ठे ही आयो आजे मामा ते पुत्र नू इन्हीं नसीहतां करके टोर दिया ने पर उना मामा तू सदके जावा उना ने जवान करके मुहम्मद उबार दिते सारी कायनात दे जज्बे मैं ममता तू कुर्बान कर देवा पर उते ममता ही मुहम्मद उबारी बैठिया तैयार किया तैयार करके परमान लगिया मैं पुत्रा एक मां दी नसीहत याद रखनी अर्ज की दी जी अम्मा जी फरमा दिया तेरा पाप सिर ते कोई नहीं अज तेरे अबू हसन जिंदा होंदे करबला दे मैदान च शहीद होंदे पुत्राओ अज तेरा बाबा सिर ते कोई नहीं अज पुत्रा तू ही अपनी मां दी लाज रखनी नहीं ते दुनिया ने आखना है खून चंगा सी पुत्रा मेरे दुध नू लीकां लगे ना आवीं फरमाया पुत्रा अज मेरी लाज रख के आना इमामे कासिम ने हाथ जोड़े अर्ज की अम्मा ए लाजा किवें रखी दियां ने फरवा फरमान लगिया ते चाचिया पांच दे बाजू कटे गए ने उन्हें अपनी मां दी लाज रखी आओ उम्मुल बनीन दी लाज रखी आओ निके जे असगर दे हलक जो तीर लगे आओ उन्हें अपनी मां यू मेरे बाप दी लाज रखी आओ अकबर दी लाज दे घोड़े दौड़ गए उन्हें अपनी मां यू मेरे लाला दी लाज रखी आओ निके जे ओनो मुहम्मद ने अपनी मां ज़ैनब दी लाज रखी आओ ओ भी अली दे लाल ने तू भी अली दा लाल ने ते पुत्रा अपनी मां दी लाज रख के आना ही अर्ज की दी अम्मा लाजा की मैं रखी दिया ने फरमा दिया वे अब्बा उसे बाजू खटे गए उन्हें जांदी वारी पाए नहीं की थी ते कासिम पुत्रा अकबर दिया फसलियां टूट गई उन्हें जांदी वारी है नहीं की थी असगर दे हलके जो तीर लगे आओ उन्हें जांदी वारी है नहीं की थी ते पुत्र माओ दी लाज रखनी जदू तीर वजे है ना करी ते पुत्रा जदू तेरी लाश खेमे च आवे एक भी तीर कंध ते ना आवे सारे सीने ते खा के आने नी अकबर ने कासिम ने अपनी माँ नू जफा मारे आओ कहन लगी अम्मा ओ भी अली ते तुतरे ते पुत्रे ने मैं भी अली दा पुत्रा आओ और ना अपनी मावा दी लाज रखी है अम्मा मैं तेरी ये लाज रख के आवा गया कयामत तक मावा तेरे ते नाज करन गिया पुत्र मेरे ते नाज कयामत तक मावा तेरे ते ते पुत्र मेरे ते नाज करन गिया नौजवानों सुनवान सजा पुत्र घोड़ियां ते बैठते सन ते मामा शगना दे गाने बन दिया सन
उस्मान शहादत दे गाने पढ़ के अकबर नु टोरिया, शहजादा कासिम नु टोरिया। कासिम जद आए ना इमाम अली मुकाम दे खैमे दे अंदर, मेरे इमाम ने ऐसा करके शिमला फाड़ के ते उना दे ऐसा नकाब कीता। फरमाया तू सोना बड़ा, तेनु किसे जालिम दी नजर ना लग जाए। घोड़ी ते बिठा के फरमाया याद रखी तू हाशमी खून है पुत्रा, असी हाशमी जद मैदान जिहाद च उतरीए ना, या असी जित के आउने आ ते या असी शहीद हो के आउने आ। अर्ज की थी चाचू जान, है मेरे आका ओ मौला, देखिया जे आज मैं दस के आवांगा कि मैं अली दा पुत्र हां, अली दा शेर जवान हां, नौजवान शहजादा कासिम जद घोड़ी ते बैठ के खैमे चो निकले ना, ते मैं तारीख नी कुतुब च पढ़िया कि खौली यजीद दा फौजी कहंदा है, कहंदा रब काबा दी कसम है असा देखया हुसैन दे खैमे चो एक नौजवान निकलया, इंज लगदा सी जिवें चंद दा टुकड़ा है, कहंदा ओदी जुत्ती दा तस्मा टुटिया सी। हाय हाय हाय, उना दी सादगी वे, उना दे हुस्न वे, जुत्ती दा तस्मा टुटिया है ते चेहरा इंज जिवें 14वीं रात दा चंद दा टुकड़ा होंदा है। इमाम कासिम जद खैमे चो बाहर आए ना, ते आपने एक इस तरह करके यजीद दे लश्कर दा जद जायजा लिया। रिजवी साहब उस वेले यजीद दे लश्कर दे अंदर इब्ने साद ने इस तरह करके एक पहलवान नु इशारा कीता कि इस बच्चे दा मुकाबला कर। उस पहलवान दा नाम सी अजरक पहलवान। किताबां च लिखया कि 1000 बंदे दा ओ सिपा सालार सी, 1000 बंदे नाल मुकाबला कर सकदा सी, इतनी ओदे च ताकत सी। इब्ने साद ने अजरक पहलवान नु इशारा करके आख्या कि दा मुकाबला कर, पहले तू जा। अजरक पहलवान ने आख्या कि मैं 1000 बंदे दा मुकाबला कर सकना, एक छोटा जा बच्चा है, मैं इतना ना मुकाबला करा, ए मेरे मयार ते नहीं उतरदा। कहन लगा कि मैं नहीं जाना, इदे वास्ते मेरा पुत्र ही बड़ा है। अजरक पहलवान दे चार पुत्र करबला दे मैदान च आए सन, ओ इस वास्ते ना उतरिया कि एक छोटा बच्चा है ते मैं बहुत बड़ा पहलवान हां। नौजवानों, अजरक पहलवान ने अपने बड़े पुत्र नु इशारा कीता, तवज्जो है, नौजवानों ने अपने बड़े पुत्र ने इशारा कीता, ओदा बड़ा पुत्र होवे जेड़ा 100 फौजी दा सिपा सालार है, ओ अपना गुर्ज लहरांदा इमाम कासिम ले आया। केड़े वेले इमाम कासिम दे करीब आया, आपने ओदा गुर्ज पकड़ के जोर नाल खिचिया, ओदा बाजू भी नाल ही आ गया, ओदा गुर्ज मार के ओनू जमीन दे अंदर तनसा दित्ता। अजरक ने अपने दूसरे पुत्र ने इशारा कीता, ओ तलवार ले ਆਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਮਾਮ ਕਾਸਿਮ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਤਲਵਾਰ ਖੋਖ ਦਾ ਗਰਦਨ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਹ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ। ਫਰਮਾਇਆ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਪੁੱਤਰ ਭੇਜ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਤੀਸਰਾ ਪੁੱਤਰ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਨੇਜ਼ਾ ਲਹਿਰਾਉਂਦਾ ਆਇਆ। ਇਮਾਮ ਕਾਸਿਮ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨੇਜ਼ੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਹ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵੱਲ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਨੇ ਚੌਥਾ ਪੁੱਤਰ ਭੇਜਿਆ, ਇਮਾਮ ਕਾਸਿਮ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਰਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬੜੇ ਗਰੂਰ ਤੇ ਤਕਬਰ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮਾਮ ਕਾਸਿਮ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਇਮਾਮ ਕਾਸਿਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਉਹ ਠਹਿਰ ਗਿਆ। ਫਰਮਾਇਆ ਬੜਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਣਿਆ ਫਿਰਨਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਫਰਮਾਇਆ ਤੇਰੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਜ਼ੈਨ ਪਈ ਲਟਕਦੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਝੁੱਕ ਕੇ ਨੀਚੇ ਵੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਇਬਨੇ ਸਾਦ ਵੱਲ ਸੱਟ ਕੇ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਅੱਬਾਸ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹਾਂ, ਕਿਆ ਕਹਨੇ ਉਸ ਅੱਬਾਸ ਅਲਮਦਾਰ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਸਿਮ ਹੋਵੇ। ਇਮਾਮ ਕਾਸਿਮ ਨੇ ਯਕੀਨ ਕਰਿਆ ਜੇ ਯਜ਼ੀਦ ਦੀ ਫੌਜ ਉੱਤੇ ਥੱਲੀ ਮਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਇਬਨੇ ਸਾਦ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰੇ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚ ਨਾ ਆਵੇ, ਸਾਰੇ ਡਰ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੰਨੇ ਅਦਰਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤੋਂ ਜੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਜੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਛੋੜੇਗਾ? ਕੋਈ ਯਜ਼ੀਦੀ ਅੱਗੇ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਮਾਮ ਕਾਸਿਮ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਮਾਮ ਕਾਸਿਮ ਯਜ਼ੀਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਘੁਸ ਗਏ,
इज्जत दौर दे नाल अपने हमला कीता नौजवान रेत तूफान उठया कुछ भी नजरी ना होया वे मैं फरवा मां दा दिल डोल गया कह लगी लजपाला देखिया जे मेरा कासिम किथे गया मेरे इमाम ने फरमाया उम्मे फरमा बाबी जान हौसला रखे आ जाए आओ देखो जिधर यजीदी दौड़ते पे जाते हैं पीछे तेरा ही शेर लगाए जिधर जिधर इमाम कासिम जा रहे हैं यजीदियां दिया गर्दन उड़दियां नजर आ रही हूं गाजर मूली फसल मांग कटते जा रहे नौजवानों इंज गर्दन उड़दिया ने कि मैं खिजाओं चो दरख्तों के पत्ते उड़ देने इबने साध शिमर नु कहन लग्या ए नौजवान कौन है उन्हें आख्या अली दा पुत्र आए हसन दा पुत्र है एदा नाम कासिम है इबने साध दे लबा चो जुमला निकलिया कहन लगा मन नहीं पवेगा शेरां दे पुत्र शेर ही होंदे हैं पत्थर मारो जालमा ने पत्थर मारने शुरू कर दिता है कोई पत्थर सीने ते लगदा है कोई अखियां ते लगदा है कोई चेहरे ते पिया लगदा है इमामे कासिम जड़े वेले जख्मी हो गए एक जालम ने छुप के नेजा मारे आओ नेजा दिल ते मुकाम ते लगिया कमर चू निकल गया अखा गया देरा छा गया इमामे कासिम ने खेमिया वाले वेखे आओ ते वेखे कह लगी अम्मां दस तेरी लाज रखी है के नहीं उम्मे फरवा दी चीज निकल गई रोके कह लगी वे कासिम पुत्रा लड़ी जाओ ते तू मां नू बड़े ही प्यारा है पर नाना तेरे नालों भी प्यारा है इमामे कासिम ने डिग दिया खेमे वाले वेखे आओ कह लगे मेरे आका हुसैन मैनू फड़िया जे मेरे इमाम दियां दौड़ां करबला वाले लग गई अपनी कमर दे हाथ रख ले आओ फरमाया कासिम पुत्राओ चाचू दा लक तोड़ चले आए फरमाया जे जाई इना मैं तेरा चाचू भी आया ना इमामे आली मुकाम ने आके कासिम दा सिर अपनी गोदी च रखे आओ अर्द की दी चाचू जान जरा सीने जुने दा खिंच आज तेरे इमाम ने दा खिंच आओ खून दा फवारा निकले आओ अर्द की दी चाचू जान आखिरी बारी सीने लाया आज तेरे इमाम ने कासिम नु सीने न लाया कासिम मेल दे दर्द नाल रहे फरमाया पुत्रा रोना क्यों है मां नु मिलने सेम चला चलना फूफो नु मिलने सेम चला चलना अर्द की दी लजपाला मैं किसे नु नहीं मिलना फरमाया कासिम जे रोना क्यों है अर्द की दी लजपाला मैं रोना मेरे जजू कले रह गए ने नौजवानों जड़े वेले कासिम दी रूह ने परवाद की थी तेरे इमाम लाश उठा के मां दी गोदी च रख दी थी मां मथा जमा के फरमान लगी बेशक पुत्र ठंडे अखियां दी ते घर विच करन उजाला पर इना नालो बद के मैनू कालियां जुल्मां पावा वाला अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है मां ने आख्या लेवे पुत्रा हवाले रब दे मैं राजी तेरे ते होई विच दरबार नबी सरवर दे अज लाज मेरी रखी होई अल्लाह ताला मेरी तोड़ी हाजरी कबूल फरमाए अल्लाह हाजरी कबूल फरमाए शाह जी किबला दुआ फरमान गए असीं सारे आप هو الحبيب الذي ترجى شفاعته القول يا الله پاک رحمت عطا فرما لے جب تو فرما الہ العالمین جنہاں نے اس چیز دا اہتمام کیتا اج دی محفل پاک دے صدقے نال اللہ سب دی نیک حاجت پوری فرما یا اللہ پاک
बीमार करबला सब का बीमारन शिफा अता फरमा। भाई सारे हजरात बैठ जाओ, बैठ के लंगर शरीफ लो। सारे हजरात बैठ जाओ, सारे हजरात बैठ जाओ, सारे नु लंगर मिलगा। सारे हजरात बड़ी मेहरबानी, बैठ जाओ, बैठ जाओ सारे। इलाहुल आलमीन जितने भी को बीमार ने सब नु शिफा अता फरमा। इलाहुल आलमीन सब दे घर खैर बरकत अता फरमा, नेक हजरात पूरी फरमा। इलाहुल आलमीन जेड़े को बे औलाद ने उन्होंने औलाद नरीना सा लिया अता फरमा। या अल्लाह पाक जिन्हां दी औलाद है नेक फरमा बरदार बना। या अल्लाह पाक जिन्हां दे वालिदैन इंतकाल फरमा गए उन्हां दे वास्ते उन्होंने कुरान नमाज पढ़ के दुआ कर तौफीक अता फरमा। या अल्लाह पाक जिन्हां दे वालिदैन हयात ने उन्होंने अपने वालिदैन दी इज्जत पाक सब दिया नेक हजात पूरी फरमा। सब दे घरां च खैर बरकत अता फरमा। इलाहुल आलमीन जिन्हां दे कारोबार दे अंदर कोई रुकावटां ने सब दे कारोबार दे अंदर खैर बरकत अता फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका फ़िलल खैरात व तर्कल मुनकरात व हुब्बल मसाकीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका ईमानन मुस्तकीमन व फ़ज़लन दाइमा व नज़रन रहमतन व इल्मन नाफ़िआ व लिसानन ज़ाकरन व बदनन साबिरन व सायम मशकूरन व क़ल्बन मुनव्वरा। या रसूल अल्लाह उंज़ुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना। इन्नना फ़ी बहरिहिम मिन मुग़रक़ून, खुज अयदियना सहिलना इश्क़ालना। इलाही बहक़े बनी फ़ातिमा के बरक़ौल ईमा कुनी ख़ातिमा। अगर दावत अमरत कुनी वर कबूल, मनो दस्तो दामान आले रसूल। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम की दिए खुदा के वास्ते। मुश्किलें हल हो हमारी शाह मुश्किल कुशा के वास्ते। करबलाएं रद शहीद करबला के वास्ते। अल्लाहुम्मा इन्नका अफुवुन तुहिब्बुल अफवा फ़ाफ़ु अन्ना। या गफूरो या गफूरो या गफूर। या अल्लाह पाक आज किस महफ़िल पाक के लिए जिस जिसने भी जिस तरह हिस्सा लिया सबको खैर बरकत फरमा। आने वाले जितने हैं सबकी नेक हजात पूरी फरमा। इलाहुल आलमीन सबके रिजक में कारोबार में बरकत अता फरमा। समेना व अतौना गुफरान रब्बना व इलैकल मसीर व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि अजमाईन बिरहमतिका या